पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जो मेदिनीपुर में पहले खड़े हुए थे, अभी उनको दौड़ाकर दुर्गापुर भेजा गया है। वो फ्रस्ट्रेशन से तो भूग ही रहे हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूं कि पिछले दो दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है, और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ रहेंगे। मैं दिलीप घोष जी से कहना चाहती हूँ, आपकी जो ये गंदी सोच है महिलाओं के बारे में, ये कहाँ से आती है हम सबको पता है। ये आरएसएस की सोच है जो नारी शक्ति के खिलाफ है। आज तक आरएसएस के किसी शाखा में कोई भी महिला पैर तक नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि महिलाएं आपकी नजरों में समान है ही नहीं। ममता दीदी का जो सम्मान बंगाल के लोगों में है, जो देश की बेटी है, देश की बेटी मानी जाती है, उनका जो अपमान आप लोग बार बार कर रहे हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को 2024 में मिलेगा। और बीजेपी की उन नेताओं से कहना चाहती हूँ और एनसीडब्ल्यू के चीफ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी को लेकर इतना चिंतित है उनके मान सम्मान के बारे में, और आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। ये आपका खोखलापन है और इसका जवाब देश आपको जरूर देगा।